मैं 24 साल से उस घर में नौकर हूँ साहब। मैं कौशिक दादा की धमकी से डर गया था। सच आपके सामने है जज साहब, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बचाओ पक्ष के वकील को, गवाह से कुछ पूछना है। जी जज साहब, पर तुम छोटी को छत पर लेकर गए थे मदद का बहाना बनाकर, हाँ, और वही तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन जज साहब, ये मेरे गवाह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मुंह में अपने शब्द डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सत्य। नीरजा की होगी जीत, कौशिक की होगी हार, कौशिक को मिलेगी पूरे 14 साल की सजा। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नीरजा जो है लेकर आ जाती है कौशिक के खिलाफ गवाह, और यहाँ पर नीरजा इस तरीके से उस पर इल्जाम लगाती है कि कौशिक जो है अपना मुंह खुद ही खोल देता है। वो कौशिक दादा पर उसने एक दो बार हमला भी किया था। और जब इनका मकसद पूरा नहीं हो पाया तो इन्होंने वो आयरन रॉड ली, इन्होंने चक्री को तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकली। वो तड़पती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो उसे मारते रहे, है ना? हाँ, इन्होंने ऐसा ही किया। अरे क्यों बार बार झूठ बोल रहा है यार तू लालटू? मैं कब उसे बार बार मारता रहा? मैंने एक बार उसकी रॉड फेंक कर मारी थी, मैंने उसे नहीं गिराया। ये सच है, मैंने उसे नहीं गिराया। और खुद ही जो है बता देता है कि मैंने ऐसे नहीं बल्कि मैंने तो ऐसे मारा था, जिसके बाद कौशिक के बाबा भी देखते रह जाते हैं कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जज साहब होते हैं वो कौशिक के लिए बड़ा फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि अब कौशिक को इस अपराध के जुर्म में 14 साल की सजा मिलेगी। और यहाँ पर कौशिक की माँ भी कौशिक के जोरदार थप्पड़ जड़ती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नीरजा जो है अपना केस जीत चुकी है और चक्री को इंसाफ दिलाती हुई भी दिखाई दी है। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभी नीरजा से माफी मांगता है और कहता है कि नीरजा सॉरी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? तो नीरजा कहती है कि अभी रो, नीरजा कभी भी अलग नहीं हो सकती। आने वाले एपिसोड में आप देखते हैं कि कौन सा नया टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ये सीरियल ऑफ एयर होने वाला है। जी हाँ, आने वाले वक्त में ये सीरियल जो है ऑफ एयर हो जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ पर इसकी कहानी खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।